फिलहाल भी नागपुर में जिला कारागृह की ओर से दिवाली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन जिला मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल के हाथों किया गया। इस वक्त विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। प्रदर्शनी में बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को रखा गया है। यह प्रदर्शनी दिवाली तक चलेगी, ऐसी जानकारी जेल अधीक्षक वैभव आगे ने दी है। दिवाली के उपलक्ष्य में बंदियों द्वारा हर साल विभिन्न चीजों की निर्मित की जाती है, जिसमें आकाश दिया, मिट्टी के दिए, कपड़े, लोहे की चीजें, कॉटन की वस्तुओं का समावेश है। इस वक्त जेल के अधीक्षक वैभव आगे ने बताया कि बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। नागपुर मध्यवर्ती कारागार में दिवाली के उपलक्ष्य में हर साल हम बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन, जिसे हम दिवाली मेला वा कहते हैं, वो हमने आयोजित किया है। आज माननीय प्रमुख सत्र न्यायाधीश अग्रवाल साहब, इनके करकमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है। इस मेले में हमने बंदियों के द्वारा निर्मित अलग अलग चीज़ों का प्रदर्शन लगाया है, जिसमें हमारे महिला बंदियों द्वारा निर्मित दिए है, जो आकाश कंदील कहते हैं वो है, अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें फैब्रिकेटेड वस्तु है, प्योर टिकूड की चीज़ें हैं, और अलग अलग जो नॉवेल्टीज आती है मार्केट में, वो नॉवेल्टीज हमारे प्रिजनर द्वारा बनाई गई है, उसका प्रदर्शन हमने लगाया है। ये प्रदर्शन दिवाली ख़त्म होने तक हम चालू रखने वाले हैं, और सभी जो सामान्य नागरिक है उनके लिए हम ये प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। हमारे जो काफ़ी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसेस को सप्लाई होती है, मगर ये दिवाली के उपलक्ष्य में हमने जो सामान्य नागरिक है उनके लिए ये मेलावा हमने आयोजित किया है। इस वक्त जेल उप अधीक्षिका दीपा वीगे ने बताया कि इस कार्यक्रम में साल भर बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को रखा गया है। मैं दीपा वैभव आगे, कारागृह उप अधीक्षक, नागपुर मध्यवर्ती कारागृह। आज नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथील कारागृहातील बंद्यांनी बनवलेल्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री मेळावा आज या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे, आणि आज हा मेळावा दिवाळी मेळावा या नावाने संबोधित करण्यात आलेला आहे। कारागृहामध्ये बंदी जरी असला तरी कारागृहामध्ये बंद्यांच्या अंगी सुद्धा विविध कलागुण असतात, त्यामुळे त्यांच्या कलागुणांना वाव देऊन हे कारागृह प्रशासन नेहमीच त्यांच्या जीवनामध्ये एक चांगला प्रकाश निर्माण करण्याचं कार्य करत असतं। आज या ठिकाणी आम्ही जे बंद्यांनी बनवलेल्या विविध वस्तू आहेत, त्यामध्ये पंते आहेत, आकाशकंदील आहेत, आमच्या टेक्सटाईल विभागाचे चादर आहेत, बेडशीट आहेत, टॉवेल्स आहेत, तसेच जे फर्निचर आहे ते खूप चांगल्या प्रकारचे फर्निचर या ठिकाणी आपल्यास पाहावयास मिळत आहे। तरी मी या आपल्या माध्यमाद्वारे सर्व नागरिकांना असे आवाहन करते की त्यांनी निश्चितच आमच्या या विक्री केंद्राला भेट द्यावी आणि आमच्या बंद्यांचा, आमच्या कारागृह प्रशासनाचा उत्साह द्विगुणित करावा। आणि यामार्फत मी एकच संदेश देऊ इच्छिते की आज जरी आमच्या कारागृहातील बंदी हे कारागृहामध्ये असले आणि ते आपल्या कुटुंबियांसोबत दिवाळी साजरी करू शकत नसले, तरी देखील त्यांनी बनवलेल्या ह्या ज्या सुंदर वस्तू आहेत, त्यांनी बनवलेल्या ह्या ज्या पंत्या आहेत, आकाशकंदील आहेत, हे इतरांच्या अनेकांच्या घरामध्ये दिवाळी साजरा करणार आहेत, आणि हीच खऱ्या अर्थाने आमच्या बंदी बांधवांची दिवाळी आहे। आणि एकदा समस्त नागरिकांना कारागृह प्रशासनामार्फत माझ्या बंदी बांधवांतर्गत दिवाळीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा, धन्यवाद। कैदियों में भी प्रतिभा होती है, इस माध्यम से उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री की जाती है, चीजें काफी आकर्षक होती हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ प्रकाश शंकलवार, BCN न्यूज़ नागपुर।